गुड मॉर्निंग गाइस, माय सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो भी दिया गया, बैंकिंग, SSC, आर्मी क्लर्क हो, LSE, RRB, NTPC एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाएगा। इवन वी हैव इन दिल्ली पुलिस में भी है, हर डिफेंस एग्जामिनेशन भी आपको कुछ कुछ कंप्यूटर्स के सवाल पूछा जाएंगे। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिया गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेग्रीगेट किया गया डिफरेंट डिफरेंट किताबों से। चलिए देखते हैं। द रोल ऑफ ए कंप्यूटर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जनरली इज़ टू डिटरमाइन ए बायर्स नीड्स एंड मैच इट टू द करेक्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपसे पूछा जाएगा कौन जनरली इस हिसाब से बायर, जो भी बायर्स नीड है और उसको मैच करते हुए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो बनाता है वो इन बिटवीन कौन रहता है, वो जो मीडिएटर है कंप्यूटर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। उनका मेन इंटेंशन, मेन काम यही है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोडक्ट उनको डिलीवर करना। सुपर कंप्यूटर्स रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। हम जानते हैं परम 8000 जो कि इंडिया ने बनाया वो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कह सकते हो। ये क्या है, काफ़ी फास्टेस्ट और बिगेस्ट है और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स कह सकते हो। आप राइट साइड में देख सकते हैं किस हिसाब से आप सुपर कंप्यूटर दिखता है। एग्जीक्यूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। आप जानते हैं कोई भी कमांड्स को प्रोसेसिंग करने के लिए आपको एग्जीक्यूटिव कमांड देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, एक एंटर, एक कीबोर्ड में हम जानते हैं जैसे एंटर क्लिक करते हैं क्या होगा, सेम टाइम वो एग्जीक्यूट होगा। द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द स्क्रीन दैट डिस्प्लेस ए प्रोग्राम डाटा एंड और इन्फॉर्मेशन इज ए, उसको क्या कहते हैं, जो भी आप चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट आप खोलते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम विंडो कहते हैं, चाहे वो वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो क्यों ना हो, PPT का विंडो क्यों ना हो। अगला देखिए, द प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए सर्वर ऑन द इंटरनेट इज़ नोन एज। आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर डाउनलोड करते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन आप लेते हो वो डाउनलोडिंग होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी वीडियो है हम डाउनलोड करने के बाद ही उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट से अपनी कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव होता है। डिस्क ड्राइव, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि एक ड्राइव है, इट्स अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट हेल्प्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। कोई भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक डिस्क ड्राइव होता है और आप राइट साइड में देख सकते हो हाउ एग्जैक्टली ये जो डिस्क ड्राइव है दिखता है। और ये हार्ड डिस्क भी, जैसे कि आप जानना ज़रूरी है, ये डिस्क ड्राइव अलग अलग तरीके के होते हैं। एक DVD का डिस्क ड्राइव देख सकते हो, एक और HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, जो राइट साइड है इट्स ए हार्ड HDD। अरिथमेटिक ऑपरेशंस इंक्लूड, क्या रहता है इसके अंदर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो भी ALU है कंप्यूटर्स के अंदर, CPU के अंदर, आप ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो भी कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है। ये कीबोर्ड इज़ द किंग ऑफ इनपुट डिवाइसेस। हम जानते हैं सभी इनपुट डिवाइसेस में जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्या है, दैट इज़ ए कीबोर्ड, जिसको हम किंग भी कहा जाता है। एन एरर इज़ अ नोन एज बग। यहाँ पर राइट साइड आप देख सकते हो कोई भी मिस्टेक इन कोडिंग होता है उसको एरर कहते हैं, और जो भी एरर है उसको डिफेक्ट एक्सेप्टेड बाय डेवलपमेंट टीम देन इट इज़ कॉल्ड बग, उसको हम लोग बग कहते हैं। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सॉर्टेड एंड डेल्ट विथ एज ए यूनिट इज़ ए फाइल। फाइल किसको कहते हैं, जो भी कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैं आप लोगों को जो पावर पॉइंट स्लाइड्स दिखा रहा हूँ दैट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ फाइल। आप ऐसे कर सकते हो दैट कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सॉर्टेड एंड डेल्ट विथ एज ए यूनिट, उसको हम फाइल कहते हैं। सेंडिंग एन ईमेल इज़ सिमिलर टू राइटिंग ए लेटर।
आप जानते हैं प्रीवियसली हम लोग लेटर भेजते थे, बट नाउ इट हैज़ बिकम वेरी इजियर, हम सीधा ईमेल भेजते हैं। आईटी आप जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बाकी इसमें देखिए फेल्यूर, मिसिंग एंड रॉन्ग, फॉल्ट सब दिया गया है। यू कैन डायरेक्टली टेक ए स्नैपशॉट और स्क्रीनशॉट, यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू दैट। ए मेनू कंटेन्स कमांड्स दैट कैन बी सेलेक्टेड, जो भी मेनू है उसके अंदर क्या आपको देखने को मिलेगा, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स आपको देखने को मिलेगा। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर आर द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आप जानते हैं व्हाट एग्जैक्टली द इनपुट डिवाइसेस आर एंड आउटपुट डिवाइसेस आर, अलग अलग आप जानते हैं। इसमें जो भी प्लॉटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये सब क्या है, दे आर ऑल आउटपुट डिवाइसेस। आप यहाँ पे देखिए राइट साइड में क्या एग्जैक्टली इनपुट है, क्या एग्जैक्टली आउटपुट है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। एडिट मेनू इज सेलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट। इसके अंदर आप जाओगे एडिट मेनू में, आपको कट कॉपी और पेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क इज नोन एज वॉट, दैट इज नेटवर्क। यू कैन सी टू द राइट साइड हाउ एग्जैक्टली एक स्विच के थ्रू वी कैन कनेक्ट वायरलेस रोटर, मॉडेम, सर्वर, प्रिंटर, लैपटॉप, ऑल दिस डेस्कटॉप्स एंड ऑल। सो ये सब चीज़ें हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, बट एट प्रेजेंट सिनेरियो सबका वाईफाई आ चुका है, सो इट्स वेरी ईजी टू कनेक्ट वायरलेस। द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डाटा इन टू इंफॉर्मेशन। सो वॉट एग्जैक्टली द फंक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज, जो भी डाटा है दैट विल बी टर्न इन टू इंफॉर्मेशन। द एबिलिटी टू फाइंड एन इंडिविजुअल आइटम इन ए फाइल इमीडिएटली, डायरेक्ट एक्सेस इज यूज। इसको हम कहते हैं जो भी एबिलिटी है टू फाइंड एन इंडिविजुअल आइटम इन ए फाइल इमीडिएटली, उसको हम डायरेक्ट एक्सेस हम कहते हैं। टू मेक ए नोटबुक एक्ट एज ए डेस्कटॉप मॉडल एंड नोटबुक कैन बी कनेक्टेड टू ए डॉकिंग स्टेशन विच इज़ कनेक्टेड टू ए मॉनिटर एंड अदर डिवाइसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें आपको याद करने वाली क्या है, टू मेक ए नोटबुक एक्ट एज ए डेस्कटॉप मॉडल एंड नोटबुक कैन बी कनेक्टेड टू ए डॉकिंग स्टेशन विच इज़ कनेक्टेड टू ए मॉनिटर एंड अदर डिवाइसेस। नेक्स्ट यू कैन यूज़ द टैब की टू मूव ए कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन, इसको कहते हैं इंडेंट पैराग्राफ। आप राइट साइड देख सकते हो हाउ एग्जैक्टली इंडेंट ए पैराग्राफ लुक्स लाइक, सो दिस इज वॉट एग्जैक्टली यू शुड फंक्शन। ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड। जो भी कलेक्शन है रिलेटेड फाइल्स, इसको हम कहते हैं रिकॉर्ड। स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ इज रेफर्ड टू एज नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज क्या है, दैट स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ, मतलब वो परमानेंट नेचर के हैं। जैसे कि रोम है वो परमानेंट नेचर के हैं, रैम इज वॉट टेम्पररी। इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी। जो भी इंटरनेट है वो क्या है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वन टाइप ऑफ कनेक्टिविटी। टेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड, उसको हम कहते हैं टेस्टिंग। आप देख सकते हैं देर आर वेरियस कोर्सेज, QTP, क्वालिटी, सो दिस आर ऑल टेस्टिंग। इट्स अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। आप राइट साइड में देख सकते हैं हाउ एग्जैक्टली आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा। अब बात आता है, ए सिंटैक्स कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिंटैक्स क्या है, इसके अंदर आपको स्पेसिफिक रूल्स और वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम देखने को मिलता है। चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज कॉल्ड द एडिटिंग डॉक्यूमेंट। जो भी है चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द एडिटिंग डॉक्यूमेंटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वर्चुअल मेमोरी इज मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट द CPU यूजेस एज एन एक्सटेंडेड RAM। इसको हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। सो प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ अ मेमोरी ऑन द हार्ड डिस्क दैट
The CPU uses as an extended RAM. Computers use the binary digits, binary number system to store data and perform calculations. आप जानते हैं जो भी functions होता है that directly depends on the binary digits. ये binary digit क्या है? 0 and 1. Only these two are the binary digit. You can't use other than 0 and 1. So ये use करके to store data and perform calculations, computer का main function है. The Windows key will launch the start buttons. आप जानते हैं keyboard में अगर आप एक बार Windows button क्लिक करने से क्या होगा, यू विल फाइंड स्टार्ट बटन्स आपको देखने को मिलेगा सब कुछ. टू मूव द बिगिनिंग टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन ऑफ द टेक्स्ट प्रेस द होम की. कोई भी लाइन में आप टाइप कर रहे हो, आपको आपको फर्स्ट में जाना है, एकदम इनिशियल पोजीशन में, तो आपको होम दबाना पड़ेगा. आप लोग मुझे बताएंगे अगर मुझे लास्ट में जाना है तो कौन सा कीवर्ड टाइप करना पड़ेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा. व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द सब्जेक्ट लाइन्स डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज. जो भी आप भेज रहे हो ईमेल, द सब्जेक्ट लाइन्स डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज. जो भी सब्जेक्ट कंटेंट है, दैट लाइन्स डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज. टेबल्स पैराग्राफ्स एंड इंडेक्सेस वर्क विद देम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन वर्ड. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन वर्ड में आप देखोगे, यू विल फाइंड टेबल्स पैराग्राफ्स एंड इंडेक्सेस इन दैट. ये आपको पता होना ज़रूरी है हाउ एग्जैक्टली आपको टेबल्स इंसर्ट करनी है, कॉलम टेबल्स एवरीथिंग कैसे एडजस्ट करना है, आपको पता होना ज़रूरी है. नाउ वी हैव टीबी इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज. क्या है टीबी? ट्यूबिकुलोसिस थोड़ी है, टेराबाइट. आपको पता होनी चाहिए सबसे छोटा बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, then it followed by terabytes. The operating system tells the computer how to use its components. Isko kehte hain OS, that tells the computer how to use its components. When cutting and pasting, the item cut is temporarily stored in clipboard. The blinking symbol on the computer screen is called what? Cursor. Aap jante hain jo bhi computer ke upar aapko blinking symbol aapko dekhne ko milega, उसको हम कहते हैं कर्सर. आप उसको जब पकड़ोगे तो सेम टाइम ऐसा हाथ का निशाना भी आपको देखने को मिलेगा. जब हाइपरलिंक के टाइम पे आप जाते हो, यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ इंडिकेशन. अगला, मैग्नेटिक टेप इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशंस वेयर डाटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड बिकॉज टेप इज़ ए सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी मैग्नेटिक टेप है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशंस where data must be quickly recalled because tape is a sequential access medium. So ये क्या है? Sequential access medium है. Rows and columns are used to organize data in a spreadsheet. बहुत ही important है दोस्तों, कोई भी rows है और columns है, they are used to organize data in a spreadsheet. किसमें? Spreadsheet के अंदर आप देख सकते हो. When you are working on documentation on PC, the document temporarily stored in flash memory. जब आप काम करते हो कोई भी documentation पे PC में, वो document temporarily कहाँ store होता है? वो flash memory के अंदर store होता है. 1 megabyte is equal to approximately 1 million byte. बहुत ही important है दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए एक byte में कितने nibbles होते हैं. आप लोग मुझे comment section में बता सकते हैं. यहाँ पे information travels between components on the motherboard थ्रू बसेस. बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो भी इंफॉर्मेशन है ट्रैवल करता है बिटवीन कॉम्पोनेंट्स, कहाँ? ऑन द मदरबोर्ड थ्रू बसेस आपको देखने को मिलेगा. रैम रेफर्स टू द मेमोरी इन योर कंप्यूटर, रैंडम एक्सेस मेमोरी. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस रेफर्स टू द मेमोरी इन योर कंप्यूटर. कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए लैन कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड आर शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट. जो भी कंप्यूटर है दैट कनेक्टेड टू ए लैन can share information and or share peripheral equipment. Microsoft Office is an application suite. बहुत ही important है, जो भी MS Office है वो एक application suite है. बाकी आप देख सकते हो whatever has been given, peripheral equipment किस हिसाब से connect किया जाता है, अलग अलग equipments, you can directly go through कैसे LAN के through connect करते हैं.
If you want any kind of assistance, you can call me. There are more than 1200 plus videos have been uploaded. You can have a look. You will have the great content in that. Utilities can handle most system functions that are not handled directed by the operating system. क्या है यूटिलिटीज जो है ये हैंडल करता है मोस्ट सिस्टम फंक्शंस को दैट आर नॉट हैंडल डायरेक्टली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करता है. इफ़ यू रिसीव एन ईमेल फ्रॉम समवन यू डोंट नो व्हेन देन यू शुड डिलीट इट विदाउट ओपनिंग इट. अगर आपको कोई भी नया बंदा से आपको ईमेल आता है इरेस्पेक्टिव इट इज़ अ स्पैम हो सकता है उसको आपको ओपन नहीं करना है. A set of instructions telling the computer what to do is called program. What exactly the program is? जो भी set of instructions हैं जो आप computer को देते हो वो एक program है. LAN क्या है? Small single site network है, that is local area network. अगला देखिए, a collection of programs that controls how your computer system runs and process information is called operating system. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. व्हाट एग्जैक्टली द ऑपरेटिंग सिस्टम इज? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स हाउ योर कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. डिवाइस ड्राइवर्स आर स्मॉल स्पेशल पर्पस प्रोग्राम्स. आपको पता होनी चाहिए जो भी डिवाइस ड्राइवर्स है इस छोटे और स्पेशल पर्पस प्रोग्राम्स के लिए इन ड्राइवर्स को यूज़ किया जाता है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज़ परफॉर्म्ड बाय द सीपीयू. हम जानते हैं जो भी आप मैसेज थ्रू कीबोर्ड दे रहे हैं ऑडियो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है एवरीथिंग विल हैपन इन विच वन? सीपीयू के अंदर ये सब होता है. ये बहुत ही आसान है, इनमें आप देख सकते हो किस हिसाब से पूरा का पूरा चेंजेस आप जानते हैं उसके अंदर. मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सब के अंदर मैथमेटिक कैलकुलेशन करके आपको डाटा जो है एनालॉग कन्वर्जन होता है. डाटा गोइंग इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. हम जानते हैं जो भी कीबोर्ड में टाइप करते हैं वो सब क्या है? ये इनपुट है. बाइनरी चॉइस ऑफर्स ओनली टू ऑप्शंस. जो भी बाइनरी चॉइस है, बाइनरी डिजिट है, वो क्या है? जीरो एंड वन. टू इंडेंट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट यू शुड यूज टैब की. आप इंडेंट में पहला पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट अगर टाइप कर रहे हो तो आपको टैब की दबाना पड़ेगा ताकि आपको आगे जा सके. फील्ड्स आर डिस्टिंक्ट आइटम दैट डोंट हैव मच मीनिंग टू यू इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट. देखिएगा एग्जैक्टली फील्ड्स क्या है. दे आर अ डिस्टिंक्ट आइटम दैट डोंट हैव मच मीनिंग टू यू इन गिवन कॉन्टेक्स्ट. व्हाट एग्जैक्टली द वेबसाइट एड्रेस इज? इट इज़ अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक वेबसाइट ऑन द वेब. आप देख सकते हो हाउ एग्जैक्टली इट इज़. सो दिस इज़ वॉट ए वेबसाइट एड्रेस इज. नेक्स्ट वी हैव मॉडेम. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द टेली कम्युनिकेशन डिवाइस, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर. दिस इज़ वॉट एग्जाम्पल ऑफ टेली कम्युनिकेशन डिवाइस. और ये आप हेल्प करता है इंटरनेट बूस्टिंग के लिए और फास्टनेस के लिए. ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज फॉर ए सर्टेन फंक्शन सच एज वर्ड प्रोसेसिंग इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर पैकेज. इसको हम कहते हैं जो भी ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज फॉर ए सर्टन फंक्शन सच एज वर्ड प्रोसेसिंग दैट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज. यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाई यूजिंग स्टार्ट बटन. सो जो भी है यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाई यूजिंग स्टार्ट बटन आप कर सकते हो. यहाँ पर जब स्टार्ट दबाओगे सो आई विल फाइंड जो कि राइट साइड में आप देख सकते हो किस हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखता है. सो आप स्टार्ट बटन प्रेस करने से ए ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द स्क्रीन दैट शोज वेयर द नेक्स्ट कैरेक्टर विल अपियर, उसको हम कहते हैं कर्सर. सो कर्सर आप जानते हैं दैट विल बी ब्लिंकिंग हॉरिजॉन्टल और इट्स अ वर्टिकल लाइन, ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन कर्सर, उसको कहते हैं हम पॉइंटर. हाईलाइट एंड डिलीट इज यूज टू रिमूव ए पैराग्राफ फ्रॉम ए रिपोर्ट यू हैड रिटन. सो जो भी हाईलाइट एंड डिलीट में क्या है, इट इज़ यूज टू रिमूव ए पैराग्राफ फ्रॉम ए रिपोर्ट यू हैड रिटन. डाटा एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट टास्क बार. जो भी डाटा है और टाइम है दे आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट टास्क बार.
डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी क्या कहते हैं इसको, इट इज़ कॉल्ड सब डायरेक्टरी। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आपको सॉफ्टवेयर कोड में कोई भी अगर एरर्स फाइंड आउट करनी है आपको टेस्टिंग करनी ही है। प्लीज़ चेक माई प्लेलिस्ट गाइज, यू विल फाइंड मोर देन 800 प्लस आर मेनी क्वेश्चन पेपर्स आर देयर, 1200 प्लस वीडियोज़ आर देयर, अलग अलग सेक्शन आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, छोड़ना नहीं, सब देखना है क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। चलिए देखते हैं अगला क्या है। इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग चार्ट विजार्ड ऑप्शन, जो भी एक्सेल में चार्ट्स है वो क्रिएटेड यूजिंग किसका, चार्ट विजार्ड ऑप्शन में उसको यूज़ करते हुए चार्ट्स क्रिएट किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट मेमोरी। सो ये काफ़ी माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर ये 3 बेसिक कैटेगरीज होते हैं, फिजिकल इक्विपमेंट सिस्टम यूनिट और इनपुट और आउटपुट देन मेमोरी यूनिट, ये सब चीज़ उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। विंडोज़ इज़ नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, जो विंडोज़ है इट इज़ नॉट ए कॉमन फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ए टूल बार कंटेन्स बटन्स एंड मेनूज दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड्स, उसको हम कहते हैं ए टूल बार दैट कंटेन्स बटन्स एंड मेनूज दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फॉर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट यू यूज न्यू कमांड एट फाइल मेनू, जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, फाइल मेनू यूज़ करेंगे। इनपुट डिवाइस इज इक्विपमेंट यूज टू कैप्चर इन्फॉर्मेशन एंड कमांड्स, सो आप जानते हैं जो भी स्कैनर्स है कीबोर्ड्स है ये क्या करता है, इवन स्कैनर ही ले लो वो कैप्चर करता है जो भी स्कैन करने के बाद एंड कमांड देता है वो इनपुट चले जाता है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन्स स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर स्पेसिफिक रूल्स और वर्ड्स दिया गया है दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन एडवांटेज ऑफ डायलअप इंटरनेट एक्सेस इज इट यूटिलाइजेस एग्जिस्टिंग टेलीफोन सिक्योरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या फ़ायदा है डायलअप इंटरनेट एक्सेस, दैट इट इज़ यूटिलाइजेस एग्जिस्टिंग टेलीफोन सिक्योरिटी, यू कैन सी डायरेक्टली राइट साइड इंटरनेट कनेक्शन मेथड्स डायलअप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू वट एवर हैज़ बीन गिवन, ये आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वी हैव प्रोटेक्टिंग डाटा बाई कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स इज़ नोन एज बैकअप, कोई भी ओरिजिनल सोर्स से अगर हम ले लेते हैं प्रोटेक्टिंग द डॉक्यूमेंट उसको हम कहते हैं बैकअप लेना। नेटवर्क कॉम्पोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द स्टार टोपोलॉजी, आप राइट साइड देख सकते हो कितने तरीके का टोपोलॉजीज है, बस रिंग स्टार ट्री मैश हाइब्रिड, और पहला वाला क्या है आप लोग मुझे खुद ही बताएंगे कमेंट सेक्शन में बता के। अब बात आता है नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द सेम केबल के साथ इस स्टार टोपोलॉजी में, यानी चौथा वाले में देख सकते हो टू आर मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए नेटवर्क। नेटवर्क में क्या होता है दो या तीन कंप्यूटर जो भी है मोर कनेक्ट करते हो उसको हम नेटवर्क कहते हैं। ए कंप्यूटर चेक्स द डेटाबेस ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर ए मैच बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दिस इज़ व्हाट जो भी पासवर्ड और यूज़र नेम डालते हैं दैट इज़ फॉर द ग्रांटिंग एक्सेस ओनली। सो दैट सेट दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरीज फील फ्री टू कॉल। इफ़ यू थिंक दैट सर आई नीडेड GK and GS questions of 20,000, you can call me, you will be given a free of cost, the questions will be given. Thank you, have a good day, have a great life.